नमस्कार। अब खबर मऊ जिले से। बीजेपी नेता का भाई निकला ट्रेन में, गुड़गांव के माल खरीदार मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया गिरफ्तार। मऊ जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मध्य प्रदेश की पुलिस ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव जौहरी के भाई को दिन दिहाड़े गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश लेकर चली गई। वहीं कोतवाली पुलिस की मदद से मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले को लेकर जिले के कोतवाल का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सन 2016 में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन और शताब्दी एक्सप्रेस में दो बार लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पहली बार में 10 लाख और दूसरी बार में 4 लाख की लूट हुई थी। इस मामले में जीआरपी उज्जैन ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति किशन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में पता चला कि लूट का माल दीपक जौहरी को बेचा गया है। हालांकि आरोपी कृष्ण अग्रवाल और बीजेपी नेता का भाई दीपक जौहरी दोनों दोस्त हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने इस लूट कांड में माल खरीदने वाले बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश लेकर चली गई है। इस मामले में जीआरपी उज्जैन के इंस्पेक्टर ने बताया है कि 2016 में साबरमती और शताब्दी ट्रेन में लूट की गई थी, जिसमें 10 लाख और 4 लाख की दो बार लूट हुई थी। इसमें किशन नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इसने बताया कि मऊ जिले में बीजेपी नेता के भाई दीपक जौहरी को लूट का माल बेचा है। इस मामले में हमने कोतवाली पुलिस की मदद से दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और अपने साथ मध्य प्रदेश ले जा रहे हैं। ये दोनों आरोपी एक दूसरे के मित्र हैं। मऊ से एटीवी न्यूज चैनल के लिए विनय श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट।